बाबुल हवाइज कौन कौन है? अलकाब जो अल्लाह और मासूमीन दें बस वही अलकाब दुरुस्त हैं, किसी और को अलकाब बनाने की इजाज़त नहीं। तो हमारे यहाँ रिवायात में चार बाबुल हवाइज हैं, सुनना चाहेंगे आज के? कुछ नकाहत सी है, दो तीन दिन से गर्मी में ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ और फिर जितना पसीना आ जाता है उसके बाद मुझे काफ़ी नकाहत हो गई है, तो मतलब जहाँ तक पेश कर सकूँगा पेश करूँगा, साथ साथ चलते रहिएगा। तो अल्लाह ने चार बाबुल हवाइज बताए हैं मासूमीन के ज़रिए कि चार बाबुल हवाइज। पहले हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, आपको बाबुल हवाइज कहा जाता है। एक होता बाबुल दुआ, एक होता बाबुल हवाइज। तवज्जो है, बाबुल दुआ, दुआ में हम्द भी हो सकती है, शुक्र भी हो सकता है, लेकिन हाजत की जमा है हवाइज। जब कोई हाजत इंसान किसी की बारगाह में लेके जाए, यानी जो इंसान की एहतियाज हो, तो जो उस हाजत का कबूल करवाने वाला हो उसे बाबुल हवाइज कहा जाता है। कि जहाँ जिस दर पे हाजात कबूल हों वो है बाबुल हवाइज। तो सबसे बड़े बाबुल हवाइज मूसा इब्ने जाफर अल काज़िम अलैहिस्सलाम। दूसरे बाबुल हवाइज अब्बास इब्ने अली। मैं थोड़ी सी देर चलते रहिएगा। तीसरे हैं बाबुल हवाइज हजरत मुस्लिम इब्ने अकील, उन्हें भी रिवायात में बाबुल हवाइज कहा गया, हजरत मुस्लिम इब्ने अकील। और चौथे बाबुल हवाइज हैं हजरत अली असगर, कि उनकी मजलूमियत की वजह से उन्हें बाबुल हवाइज कहा गया। तो आज मैं हाजात के उनवान से कुछ पेश करना चाह रहा हूँ मतलब। तो पहले पहलू को पेश करना चाहूँगा। देख रहा हूँ कि मुझे बरादरान जिस अंदाज से बैठे, मुझे बताया कि खारान में भी मेरी बहनों के भी इमाम बरगाह में बहुत ज़्यादा बैठने के मसाइल होते हैं। हवाइज हाजात अगर कोई रखता है तो कहाँ जाए हाजत पूरी हो, तो बताया गया कि एक बाबुल हवाइज है सातवें इमाम। अब सातवें इमाम कैसे बाबुल हवाइज है पेश करना चाह रहा हूँ, सुनिएगा थोड़ा साथ दीजिएगा मेरा। तो अब सातवें इमाम से मुतालिक है कि आप 14 बरस के थे कि छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने तारुफ करवाया कि बाबुल हवाइज है, बेटों में सबसे छोटे थे, तवज्जो मेरे साथ रखिएगा। तो चौथे बेटे हैं और बिल्कुल जब गहवारे में थे तो एक इमाम के शागिर्द हैं, कहते हैं कि मैं इमाम के घर मिलने गया तो देखा छठे इमाम गहवारे में किसी बच्चे से फसीह बलीग अरबी जबान में कलाम कर रहा है। तो मैं कहीं हंसने लगा, मौला आप बच्चे से बातें कर रहे हैं? तो छठे इमाम जलाल में आए, कहा ये बच्चा नहीं है हुज्जत खुदा है, ये आम बच्चा नहीं ये हुज्जत खुदा। कहा मैं बड़े अदब से बैठा सुनने के लिए। तो छठे इमाम कुछ देर बातें करते रहे, कहा ताज्जुब मेरा ये हुआ कि वो जो गहवारे में थे वो भी बड़ी फसीह बलीग अरबी जबान में जवाब देने लगे। तवज्जो हो, एक और जुमला यहां पेश कर दूं, ये हमारे 12 इमामों ने दुनिया में आते ही कलाम क्यों किया? तवज्जो, पहले इमाम ने भी, दूसरे, तीसरे, 12वें इमाम तक सबके लिए साबित है दुनिया में आते ही कलाम किया। मौला अमीर ने रसूल खुदा से, इमाम हसन हुसैन ने मौला अली से, इमाम सज्जाद ने मौला हुसैन से, इमाम बाकिर ने चौथे इमाम से, हर इमाम ने, 12वें इमाम ने 11वें इमाम से, तो हर इमाम ने कलाम किया गहवारे में। तो मैं बहुत सोचा करता था ये कलाम क्यों किया, तो मेरी निगाहों में सूरह मरियम आया, वहां जनाबे मरियम को जब अल्लाह ने कहा ना बच्चा लेके जाइए, तो कहा परवरदिगारा कैसे जवाब दूंगी बच्चा कहां से आया, कहा आप खामोश रहिएगा बच्चा बोलेगा। जो तो जनाबे मरियम फाशारत इलैहा, गहवारा जब लेके गई तो आपने इशारा किया बच्चे की तरफ, फकालु कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, जो एक गहवारे में नौ मौलूद बच्चा है हम उससे कैसे बात करें।
अब सबके सब एतराज कर रहे हैं, या उख्ता हारून, ए हारून की बहन, आपके माँ बाप बड़े पाक दामन थे, इमरान भी अच्छे थे, आपकी वालदा इलिजबेथ भी अच्छी थी, आप बच्चा कहां से ले आए? आपने इशारा किया, मैं नहीं बोल सकती, आज बच्चा बोलेगा, तवज्जो। तो कई मर्तबा मासूम बच्चे इस्मत की गवाह बनते हैं। एक मर्तबा जनाब ईसा बोलने लगे, अब मैं सोचा करता था कि ये 12 इमामों ने क्यों बोला, अब जब समझ में आया कि जनाब ईसा ने जनाब मरियम की गवाही दी, तो कोई ईसाई ये ना कह दे कि ईसा मोहम्मद से अफजल है, अल्लाह ने 12 से बुलवा के दिखाया, अरे इसके तो नायब भी बोलते हैं, इनके 12 के 12 नायब के हवाले में बोल रहे हैं। रोजाना के नामी बाबुल हवायत पेश कर रहा हूं, अगर सुनना चाहेंगे, यकीन मानिए बेइंतहा नकाहत है, जोर नहीं लग रहा मुझसे तो, लेकिन आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं, जहां तक आप सुनेंगे वहां तक पेश करूंगा। कि 7वें इमाम 14 बरस के हैं, तो इमाम ने कहा यह बाबुल हवायज हैं, 6 इमाम ने कहा, और बाबुल हवायज इशारा किया और देखा इमाम, 6 इमाम पढ़ाते थे, जब पढ़ाते थे तो उसमें सिर्फ शिया नहीं आते थे, अहले सुन्नत के भी बड़े बड़े उलमा पढ़ने के लिए आते थे, इमाम अबू हनीफा शिया नहीं थे, पढ़ने आते थे, इमाम पढ़ाते थे, कभी नहीं कहते थे भाई जब तुम इमाम नहीं मानते तो पढ़ने क्यों आते हो, तवज्जो। इमाम मालिक भी पढ़ने आते थे, इमाम अबू हनीफा भी पढ़ने आते थे, इमाम पढ़ाते थे, अरे ये तो चले फिर मुसलमान थे, यहूदी ईसाई आते थे, यूनान के बड़े बड़े फलसफी आते थे पढ़ने के लिए, 6 इमाम कभी नहीं कहते थे कि अरे जब मानते नहीं तो पढ़ने क्यों आए, इमाम कहते थे उसूल ये है कि पढ़ाओ, जो अजमत समझ के मान ले उसे आने दो, जो ना माने उसे जाने दो, वो और होंगे जो तलवार से मनवाते होंगे, हम इल्म से मनवाते हैं। तो अब ये इमाम ने इशारा करके कहा ये तुम्हारे बाबुल हवाइज हैं, मेरे बाद तुम्हारे इमाम है। तो अब सबके सब 6 इमाम के फर्जंद 7वें इमाम को देख रहे हैं 14 बरस के, कम मौला आपने बताया है कि खुला हुआ दर उसके सामने नमाज ना पढ़ो, जलते हुए चराग के सामने नमाज ना पढ़ो, खुली किताब के सामने, तवज्जो बढ़ती है। तो आपके फर्जंद खुले दर के सामने नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ लोग तो पहुंच रहे हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आम बेटा नहीं है, जब ये नमाज तमाम करे तो इन्हीं से सवाल करना कि खुले दरवाजे के सामने क्यों नमाज पढ़ रहे हैं। अब जैसे ही 7वें इमाम ने नमाज तमाम की, सारे के सारे 6 इमाम के शागिर्द आए, का फर्जंद रसूल आपके बाबा ने कहा खुले दरवाजे के सामने नमाज पढ़ना मकरूह है, इमाम ने कहा हां, का फिर आपने नमाज क्यों पढ़ी, कहा जानते हो क्यों मकरूह है, कहा हां, तवज्जो बढ़ जाती है, कोई सामने से गुजरे तवज्जो बढ़ जाती है, इमाम ने कहा मेरा खुदा इस दरवाजे से ज्यादा मुझसे करीब है, तुम्हारे अहकाम और हैं हमारे और, दरवाजा खुला हो तो तुम दरवाजा ही देखते हो, नमाज नहीं पढ़ते, हमारी टांगों से तीर भी निकाल लिए जा, तो हम नमाज ही में होते हैं, हम नमाज ही में होते हैं, हम तवज्जो नहीं बटने देते। मैं रोक के यहां पे जुमला पेश कर रहा हूं कि ये बाबुल हवाइज कौन कौन है और उनका क्या क्या मकाम है, सबकी मैं मंजिलत पेश करना चाह रहा था, मुझे नहीं मालूम कहां तक आप सुनेंगे, एक सिर्फ रोक के नौजवानों के लिए खास तौर से पेश कर रहा हूं कि ये अव्वल वक्त नमाज की फजीलत। एक बहुत बड़े आलिम दीन अपनी किताब में लिखते, कहते मैं सफर कर रहा था तो ईरान में मोटरवे पे गाड़ी चल रही है, अव्वल वक्त जोहर है, धूप गर्मी तपिश मशहूर है ईरान इराक के, तो कहा मैंने देखा कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है अव्वल वक्त। मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको, कहा यहां तो नहीं रोक सकते मोटरवे है, कहा गाड़ी रोक दो, कहा कि आगा यहां उतर नहीं सकते आप, कहा किसी भी तरह गाड़ी रोको। उसने जो हार्ड शोल्डर होता है वहां पे गाड़ी रोकी, वो फौरन धक्के खाते हुए नीचे उतरे, इंतजार किया, उसकी नमाज तमाम हुई। कहा भाई ये इतनी तपिश में इतनी गर्मी में अव्वल वक्त नमाज पढ़ रहे हो, मैं आलिम दीन होकर गाड़ी में जा रहा था, तुम अव्वल वक्त नमाज, कहा हां मैं हमेशा
जैसे ही अजान होती है नमाज पढ़ लेता हूं। कहा क्यों? मैं सीखना चाहता हूं, तुम चरवाहे हो, पढ़े लिखे हो? कहा नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, अनपढ़ हूं। कहा तो तुमने ये अव्वल वक्त नमाज कैसे सीखी? कहा अपनी बकरियों से। नहीं है मजमा? कहा भेड़ बकरियों से। कहा कैसे? कहा जब शाम होती है ना, मैं एक आवाज लगाता हूं, सारी भेड़ बकरियां आ जाती हैं। तवज्जो तवज्जो। क्या एक आवाज लगाता हूं, सारी भेड़ बकरियां आ जाती हैं। कभी कोई बकरी ये नहीं कहती, अभी तो मैंने घास भी पूरी तरह नहीं खाया था। कोई बकरी ये नहीं कहती, आज तो मैंने पानी नहीं पिया। का ये जानवर होके ये जानती है कि ये मालिक है, मालिक की एक आवाज पे आती है। क्या मैं तो इंसान हूं, जानता हूं हकीकी मालिक अल्लाह है। जब वो अजान कहलवा रहा है, हैया अला सला, का मैं एक, मैंने अपनी बकरियों से अजान पे फौरन लब्बैक कहना सीखा। इसलिए कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नमाज का वक्त हो जाए और वो उसे कजा कर दे। बात पहुंच रही है? बुरा तो नहीं मना रहे हैं? चले अगर बुरा मना भी लें तो आखिरी आखिरी मजाले से। भाई जिस मोहब्बत से आपने सुना, यकीन मानिए कि मैं ममनून हूं आपका कि एक एक जुमले को आपने मोहब्बत से सुना और जिस तरह से चलते रहे। बस ये दो मजालिस और हैं, इसको भी सुन लीजिएगा इसी मोहब्बत के साथ। ऐसे जाने के नाम अब ये बाबुल हवाइज हैं, जनाबे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पेश करना चाह रहा हूं इमाम की खुशनुदी के लिए। बाबा से बुलंद सलावात। जाने के नामी कौन है सातवें इमाम? पेश करना चाहता हूं, आपने शायद नाम सुना हो, ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी का नाम सुना। एक है शेख तूसी जिन्होंने नजफ के हौजे की बुनियाद रखी, वो नहीं, उनके 300 साल बाद अल्लामा हिल्ली के उस्ताद भी हैं, शागिर्द भी। नाम है ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी। मैं शिकागो मजालिस पढ़ने गया हुआ था तो एक आलिम दीन, बहुत बुजुर्ग आलिम दीन इराक के, उन्होंने कहा भाई आए हैं तो शिकागो का साइंस म्यूजियम जरूर देखने जाएं। मैंने कहा मैं मजालिस पढ़ने आया हूं। जी नहीं। कहेंगे नहीं, उसकी बेसमेंट में एक एग्जीबिशन लगा हुआ, नमाइश लगी है और उस पर लिखा हुआ है मुस्लिम साइंसदान, ए मुस्लिम साइंटिस्ट नसीरुद्दीन तूसी, उनकी तमाम इजादात। मजमा नहीं आ? उनकी इजाद इन्वेंशन, उनकी इजादात। कहा एक इन्वेंशन नहीं है, अमरीकी है, शिया दुश्मन है, लेकिन मानते हैं मुसलमानों ने इतनी इजादात की। और एक साइंटिस्ट है नसीरुद्दीन तूसी, जिन्होंने फलसफे में, कलाम में, तमाम उलूम में किताबें लिखी, साइंस पे किताबें लिखी, मौसम का हाल बताना उन्होंने सिखाया। नहीं है मजमा? नहीं है। आज जाने ग्रामी एक किसान के एक मरतबा घर पे थे तो एक मरतबा किसान ने कहा आज अंदर सोएंगे या बाहर? आप हर रोज बाहर सोते हैं। कहने मैं बाहर ही सोऊंगा। कहने लेकिन आज रात तो बारिश होने वाली है। उन्होंने एक मरतबा आसमान देखा, कहा नहीं बारिश नहीं है। कहा ठीक है आप बाहर सो जाइए। एक मरतबा आधी रात के बाद बारिश हो गई। ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी फौरन किसान के पास गए, कहा पता कैसे चला? मैं तो माहिर हूं, मैं पता नहीं लगा सका। तुझे कैसे पता चला बारिश होने वाली है? कहा मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे घर में कुत्ता पला हुआ, जिस रात बारिश होनी होती है वो अंदर आके सोता और जब बारिश नहीं होती वो बाहर सोता है। फिर ख्वाजा ने जानवरों पे तहकीकात लिखी, बहुत सी चीजें इंसानों को पता नहीं चलती, जानवरों को पता चल जाती हैं। उनकी इजादात बहुत ज्यादा। अब मैंने ये सारा क्यों बताया ख्वाजा का, सुनिएगा आप। है मजमा? सारा मजमा इसी तरह से सुनेगा। अच्छा जाने गिरामी, ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी आखिरी वक्त आया, काजमैन में छे, लोगों ने पूछा इंतकाल होने वाला है आपका, आपने खुद भी बता दिया, कहां ले जाएं, करबला या नजफ? उन्होंने कहा मुझे हया आती है, बाबुल हवाइज की बारगाह में दम तोड़ो और कहूं कहीं और ले जाओ, मुझे यहीं दफनाना। का कहां दफना है? का मुझे मूसा इब्ने जाफर के कदमों में दफना देना। का कब्र पे क्या लिखे? तवज्जो, कब्र पे क्या लिखें? आयतुल्ला लिखें, अल्लामा लिखें, मुहक्किक लिखें, ख्वाजा लिखें, साइंसदान लिखें, क्या लिखें? क्या बस ये आयत लिख देना सूरह कहफ की, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराएहि बिल वसीद, इनका कुत्ता
इनके सामने टांगे फैलाए लेटा है। असहाबे कहफ के कुत्ते के लिए कहा था, इतने बड़े मुहक्किक ने कहा सिर्फ ये लिखना, ये जो कुछ बना हूं बाबुल हवाज के। आप समझ में आए बाबुल हवाज? मुझे नौजवानों की खास तवज्जो चाहिए आज। ऐजान गिरामी, बहुत से लोग कहते हैं ये आजादारी पे इतना पैसा लगा रहे हो, ये जोड़ लो, इतनी यूनिवर्सिटियां बन जाएंगी, इतने स्कूल बन जाएंगे, इतने कॉलेज बन जाएंगे, कभी किसी के धोखे में ना आइएगा। ये आज जो कुछ शिया कौम के पास है इस आजादारी का सदका है। बात पहुंच गई है? सब शायद साथ नहीं, मैं सिर्फ एक इसी कराची का, मुझे किसी ने वाकया सुनाया था, मेरे मौजू से मुतालिक है, कि दो अफराद बस स्टॉप पे आपके कराची में खड़े थे, एक साहब सिगरेट पीने वाले, दूसरे सिगरेट नहीं पीते थे। तो सिगरेट पीने वाले साहब, आपको पता बस लेट हो जाए तो सिगरेट की रफ्तार बढ़ जाती है, तो उन्होंने एक दो तीन, तो साथ वाले ने कहा कितनी सिगरेट पी लेते हैं दिन में? कहने लगे एक से दो डब्बी। कहने लगे 20 से 40 सिगरेट, एक डब्बी कितने में आती है? पुराना वाक्य, तो उन्होंने कहा इतने में। कितने में? यानी पीने वाले बैठे हैं तो बहरहाल एक डब्बी इतने में आ जाती। कहा अच्छा कब से सिगरेट पी रहे हैं? कब 20 साल से ज्यादा हो गया। उन्होंने फौरन कैलकुलेटर निकाला, हिसाब करना शुरू किया, कहा हर रोज इतनी, साल में 365 दिन, 20 साल से ज्यादा हो गया। तो कहने लगे देख रहे हो सामने की जो फ्लैटों की इमारत है? कहां? कहा अगर तुमने सारे पैसे जोड़े होते तो ये बिल्डिंग तुम्हारी होती। कुछ देर के लिए बेचारा वैसे सिगरेट दिल बैठ गया, सोचता रहा कि मैंने इतनी इन्हें सिगरेट पी ली कि ये पूरी बिल्डिंग मेरी होती। फिर पलट के कहने लगा तुम सिगरेट पीते हो? कहा नहीं मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया। कहा तुम्हारी ऐसी कितनी बिल्डिंगें हैं? कहा एक भी नहीं। कहा मुझे पागल बना रहे हो? ये जो लोग कहते हैं ना पैसे जोड़ लो तबर्रुक पे ना लगाओ, मजलिसों पे खर्च ना करो, सकाई ना करो, सबीले ना लगाओ, इतने स्कूल खुल जाएंगे, इतनी यूनिवर्सिटियां, उन सबसे कहो हम नहीं करते। तुम बताओ, तुम तो मजलिसों में नहीं आते। बताओ तुमने कितना कर लिया? बस भाई वक्त ने बस भाई ये बाबुल हवाइज हैं जिनके सदक़े में आज सब कुछ हमारे पास है। ये बाबुल हवाइज हैं और ये सब के सब सफीना नजात हैं। आठवें इमाम की हदीस है नहनु कुल्लु सुफुनु नजात, हम सब के सब नजात की कश्तियां हैं, सिर्फ मौला हुसैन नहीं, हम सब के सब। वलाकिन सफीनतु जद्दिन अल हुसैन असरा, लेकिन हमारे जद हुसैन की कश्ती सबसे तेज रफ्तार है। अजान गिरामी, मैं आज चारों बाबुल हवाइज पे बोलना चाहता था, शायद बोल ना पाऊं, जितना पेश करूंगा उसे सुन लीजिएगा। अजान गिरामी, आप हमेशा जब भी मांगें तो जमान व मकान को हमेशा जहन में रखें। 24 घंटे में एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब दुआ कबूल होती है, और बाज़ औक़ात हम छोटी छोटी चीज़ें मांग रहे होते हैं फ़ौरन मिल जाती हैं। हमेशा दुआ वो मांगें जो आपके नज़दीक अहमियत रखती हो, हमेशा जबान से अच्छी बात निकालें। आए जरा मैं हजरत बाबुल हवाइज मौला अब्बास के मुतालिक पेश करूं आज।
जनाब अब्बास की खुशनुदी के लिए, जनाब उम्मुल बनीन की खुशनुदी के लिए, बाबा साहब अलैहिस सलाम। वाजल फरजम। बस भाई ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, कौन है हजरत अब्बास इब्ने अली जिनके लिए तहज्जुद में मौला ने दुआ मांगी हो, वो अली जिनके हसन हुसैन जैसे बेटे हों और कहें परवरदिगारा एक ऐसा बेटा दे जो करबला में मेरी नुमाइंदगी करे। अल्लाह जानता है ना कि वो अली जो मुश्किल कुशा हो, आज अली मांग रहे हैं, अब अल्लाह ने अली के हिसाब से अता किया, जब अता किया तो कहा अली मैं आपको अब्बास दूंगा। अजाने गिरामी, जैसे ही जनाब अमीर ने आगोश में लिया तो जनाब अब्बास ने अंगड़ाई ली, तो मौला ने फौरन कहा हाजा अब्बासुम, ये अब्बास है। मैंने किसी मकाम पे पेश किया था शेर की मुख्तलिफ हालतों और कैफियतों के नाम हैं, बस भाई पढ़ाने जा रहा बिल्कुल भी मेरी याद कैफियत अजीब व गरीब है, वहाँ पे मसाया भी पढ़ के आया हूँ बहुत तफसील से। तो ऐजाने के रामी बहुत नकाहत हो रही है, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा इस वक्त, तो मैं पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम। शेर की मुख्तलिफ हालतें, असद मुतलक शेर को कहा जाता, शेर को अरबी में असद कहते हैं, हर हालत के अलग अलग नाम हैं। ज़िरगाम कहते हैं जो चीर फाड़ करने वाला शेर हो, ज़ैगम कहते हैं जो दौड़ता हुआ शेर हो, हारिस कहते हैं हिफाजत करते हुए शेर को, गजनफर कहते हैं बड़े और बूढ़े शेर को, तवज्जो, लैस कहते हैं गुर्राते हुए शेर को, गुर्राता हुआ शेर कहलाता है लैस, लाम ये और से, लैस गुर्राता हुआ शेर, और हमला करते हुए शेर को कहते हैं हैदर, हमला करता हुआ शेर हैदर। और अब्बास किस शेर को कहते हैं, तो मैंने लुगत में देखा तो मुख्तलिफ मानी लिखे थे, एक जगह लिखा है अंगड़ाई लेते हुए शेर को अब्बास कहते हैं, तवज्जो, दूसरी लुगत में लिखा था फिरोजुल लुगात में लिखा था अब्बास उस शेर को कहते हैं जिससे शेर फरार करें। अल्लाह के शेर ने कहा ये अब्बास है। भाई अब्बास कोई आम शेर नहीं, शेर खुदा का शेर है। मेरी तबीयत भाई चलते रहिएगा। जनाब अब्बास बहुत शुजा, बहुत दलेर, और मैंने किसी मकाम पे पेश किया था, इशारा कर रहा हूं सिर्फ कि बेइंतहा खूबसूरत थे जनाब अली मुर्तजा, और सबसे ज्यादा आपकी आंखों की तारीफ की गई है। मौला की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, और जब आप मैदान जंग में जाते थे ना तो आप दांत भींच लेते थे, जब जुल्फिकार खींचते थे ना तो दांत भींच के जुल्फिकार को खींचते, आंखें सुर्ख हो जाती थी। अक्सर लोग आपकी आंखों को देख के वहीं मर जाते थे। मौला अली आंखों से दुश्मन को खा लेते थे, बड़े बड़े सूरमा का पित्ता पानी हो जाता था। जनाब अमीर की वही आंखें जनाब अब्बास के पास थी, जनाब अब्बास भी मौला की तरह निकाब रख के मैदान में उतरते थे, मौला भी निकाब अपना तहतुल हनक निकालते थे, अपने अमामे में से तहतुल हनक निकालते थे और मैदान में जाते थे। जनाब अब्बास सिफीन में सिर्फ 13 बरस के थे, अगर सुनना चाहें पढ़ो, 13 बरस के थे सिफीन में। तो एक मर्तबा जनाब अब्बास अलैहि सलाम जनाब अमीर की जिरा पहन के मौला की सवारी पे सवार हुए, मौला की तलवार ली, मैदान में गए। जनाब अब्बास की जुल्फे तुलानी थी, रंग बहुत गोरा था, तो एक मर्तबा आपने तलवार खींची, लड़ना शुरू किया, सारी फौज कहने लगी अली आ गए, अली आ गए। तो दूसरे पूछते पता कैसे है, कहा आंखें वही हैं, तेवर वही हैं। चलिएगा, तो एक मर्तबा जनाब अमीर से किसी ने आगे कहा मौला आप यहां हैं, वहां मैदान जंग में हर आदमी ने शोर मचा रखा है, अली आ गए, अली आ गए। मौला मुस्कुराए, कहा लड़ने वाले से कहो अली ने बुलाया। जनाब अब्बास से किसी ने कहा आपको अली ने बुलाया, आपने निकाब नहीं उतारा,
एक मरतबा सवारी से उतरे, बस मौला का नाम आना था, घोड़े से उतरे, हाथ में तलवार थी, खून बह रहा था तलवार से, चेहरे पे अभी भी नकाब था। जैसे ही जनाबे अब्बास को आता देखा ना, तो जनाबे अब्बास के स्याह मामे पे स्याह बाल चेहरे पे आए हुए थे, रंग गोरा था। मौला ने दूर से देखे कहा, हाजा कमरो बनी हाशिम, हाजा कमरो बनी हाशिम, ये बनी हाशिम का चांद है। अज़ीज़ाने गिरामी, जिस घर में एक ही खूबसूरत हो तो खानदान वाले सारे अलकाब उसे दे देते हैं, नहीं पहुंचा सका कि भाई ये खूबसूरत है, यही चांद है, यही सूरज है, यही सितारे, सब कुछ यही है। और अगर किसी खानदान में सभी खूबसूरत हो, अब पहुंच रही है बात, सभी खूबसूरत हो, कोई हमजा हो, कोई जाफर तैयार हो, रसूल खुदा, अली मुर्तजा, इमाम हसन हुसैन के तो नाम ही हुसन से निकले हैं, बहुत खूबसूरत थे। जहां सभी खूबसूरत, वहां जनाबे अमीर फरमा रहे हाजा कमरो बनी हाशिम, अब सोचें कितने खूबसूरत होंगे। सिर्फ आंखें नहीं, नाक जनाबे अब्बास का, आपकी पेशानी, लब, आपके बाजू, आपका कद, हर चीज देखने से ताल्लुक रखती थी। जो एक दफा देखता था वो वापस आके पूछता था कौन है। जब जनाबे अब्बास मदीने के बाजार में जाते थे, बाजार रुक जाता था, जनाबे जैनब को किसी ने कहा जब आपका भाई जाता है बाजार रुक जाता, जनाबे जैनब ने बुलाया, कहा भैया आज के बाद से चेहरे पर नकाब रखना, का बीबी जैसा आपका हुक्म, का भैया कहीं नजर ना लग जाए। सारे मदीने वाले एक ही बात करते हैं, अब्बास अब्बास है, बहुत खूबसूरत है। मैं देख रहा हूं आंखों में आंसू हैं, भाई ये विलायत तो अकीदत की अलामत है कि फजाइल में भी आंखों में आंसू आ जाए। जनाब अब्बास बहुत खूबसूरत, बहुत सखी थे, बहुत शुजा थे। बस एक रिवायत और पेश करूंगा अगर सुनना चाहें। जनाब अब्बास की खुशनुदी के लिए बुलंद सलावात। आखिरी रिवायत, मैं जानता हूं बहुत ताखिर हो चुकी है। जनाब अब्बास मैदान करबला में सिपा सालार थे, जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर जंग के सिपा सालार थे, वैसे मौला हुसैन के मैदान करबला में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम सिपा सालार थे। सिपा सालार का काम होता है कि दुश्मन की फौज पर नज़र रखे। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग करबला गए हैं, जब आप जाएंगे ना ज़ियारत के लिए इंशाअल्लाह, तो आप देखेंगे खैमे, खैमा गाह जाएंगे ना आप, मुखय्यम अरबी में कहते हैं खैमा गाह, तो सबसे पहला खेमा हज़रत अब्बास का है, और हज़रत अब्बास अकेले रहा करते थे, और सबसे आखिरी खेमा मौला सज्जाद का। इस तरफ से मैं हिफाजत करूंगा, उस तरफ से सज्जाद आप हिफाजत कीजिएगा, और फिर जवाना ने बनी हाशिम के असहाब के, फिर जवाना ने बनी हाशिम के, फिर मौला हुसैन का खेमा मरकज में, फिर बीबियों के खेमे जनाब जैनब का, फिर सब बीबियों के। तो जनाब अब्बास शब आशूर यजीदी लश्कर को देखने गए अकेले। सारा लश्कर एक नाम से डरता था और सबको खौफ था हजरत अब्बास का। जनाब अब्बास देखने गए तन्हा, सारी फौज को देखा, वापस आए, फिर आके कहा अली अकबर, चचा भतीजे में बड़ी मोहब्बत थी और दोनों बहुत खूबसूरत थे। कहा अली अकबर, मैं सारी फौज का मुआयना कराया हूं,